तो इसके अंदर एक रॉड है ऑफ लेंथ एल, और ये रॉड है ऑफ लेंथ एल, और इसके अंदर यहाँ पे कोई मास लटका हुआ है, रॉड मासलेस हैं, और ये गोल सर्कल में घूम रहे हैं। तो इनमें इक्वेशंस क्या बनेगी हॉरिजॉन्टल सर्कल में, ये देखना है। तो सबसे पहले ये सोचना है कि एक्चुअल में सर्कल ऐसा कुछ बनने वाला है। ये देखो, एक्चुअल में सर्कल अगर आप देखो तो ऐसा बनेगा कुछ इस हिसाब से, ठीक है। तो ये जो मास एम है, ये किस रेडियस में घूम रहा है या किस सर्कल में घूम रहा है? तो अगर मैं सर्कल ड्रॉ करूं तो मेरा सर्कल कुछ ऐसा बनने वाला है। ये इतने बड़े सर्कल में ये झूला घूमने वाला है, ऐसा सही है? तो ये बन गया सर्कल इसका। नेक्स्ट क्या करना है इसको समझते हैं। ठीक, नेक्स्ट देखो, आपने इसमें इक्वेशंस ऐसे बनानी है। इस स्ट्रिंग में क्या जाएगी टेंशन? टी। टेंशन के क्या बनेंगे? कंपोनेंट्स। ये लो, तो ये इसका सेंटर है, इस मैन का सेंटर है, चाइल्ड का सेंटर है। ये थीटा, तो ये थीटा हो जाएगा, ये टी कॉस थीटा हो जाएगा, और ये टी साइन थीटा हो जाएगा। टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, और एक इस पे लगेगा वेट एम जी, वेट एम जी। ठीक है यहाँ तक? तो ये वैल्यूज हो जाएंगी टी टी कॉस थीटा, टी साइन थीटा, वेट एम जी। सही। अब ये बताओ कि कौन सी फोर्स इस बच्चे को सेंट्रिपिटल प्रोवाइड कर रही है? टी साइन थीटा टुवर्ड सेंटर। और मान लो ये आर रेडियस है, तो क्या होगा? एम आर ओमेगा का स्क्वायर। मैं एम वी स्क्वायर बाय आर इसलिए पुट नहीं कर रहा क्योंकि मेरे को इसमें ओमेगा गिवन है, तो एम आर ओमेगा स्क्वायर। और टी कॉस थीटा किसके इक्वल होने वाला है इसमें? एम जी, इक्वेशन नंबर टू। टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी। अब प्रॉब्लम यह है कि इसमें आर गिवन नहीं है, आर गिवन भी नहीं होता, आर तो निकालना होता है। तो आर की वैल्यू इसमें क्या होगी ये देखें। आर की वैल्यू इसमें, ये आर की वैल्यू है, देख रहे हो ये येलो कलर की, ये आर की वैल्यू है। अब ये आर होगा क्या? अगर मैं इसे कंप्लीट कर लूं राइट एंगल ट्राइंगल को, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी है? एल। ये एल है, तो ये एल है, और ये कितनी है बची हुई? एल साइन थीटा। कैसे? इस राइट एंगल ट्राइंगल में साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स डिवाइडेड बाई एल, तो एक्स क्या आएगा? एल साइन थीटा। तो रेडियस की वैल्यू क्या आएगी? एल प्लस एल साइन थीटा। ये स्टेप समझ में आ रहे हैं यहां तक? फिर से ये देखो, ऐसे बना लो, ये लो ऐसे बना लो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी थीटा है। तो ये देखो आपको क्या निकालना है, यहां से निकाल देता हूं। आपको ये लेंथ निकालनी है, ये लेंथ एल है, तो ये वाली लेंथ भी एल है। इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल में अगर ये एक्स है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी? एक्स डिवाइडेड बाय एल, तो एक्स क्या आएगा? एल साइन थीटा। तो ये क्या बन जाएगा? एल प्लस एक्स, एक्स का मतलब एल साइन थीटा। तो पूरी लंबाई क्या आएगी? एल प्लस एल साइन थीटा। तो बस कुछ नहीं करना, आपने जो इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर वन, उसमें पुट कर देना है टी साइन थीटा इज एम इन टू एल प्लस एल साइन थीटा इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ये आपकी नई इक्वेशन तैयार हो गई। तो आपने आर की जगह क्या पुट कर दिया? एल प्लस एल साइन थीटा। क्या स्टेप क्लियर है यहां तक? कोई डाउट इसमें? तो ये जो रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस का मतलब ये लेंथ प्लस ये लेंथ, ये लेंथ तो एल है, और ये लेंथ राइट एंगल ट्राइंगल से ये एल है, तो एल साइन थीटा आ जाएगी। तो बस आपने इस क्वेश्चन में जो वैल्यू निकालनी है ओमेगा की निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर थ्री और इक्वेशन नंबर वन को डिवाइड कर दें, तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन है, एम एल प्लस एल साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर। और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है, टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, एम से एम कट गया, तो टैन ऑफ थीटा विल बी इक्वल टू एल कॉमन है, वन प्लस साइन थीटा इंटू ओमेगा स्क्वायर बाई जी।
यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ओमेगा की वैल्यू आएगी जी टैन थीटा बाय एल वन प्लस साइन थीटा का अंडर रूट आंसर।